हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक है स्कीम ऑफ कनेक्शन। ऑब्जेक्टिव्स, इस टॉपिक के अंत में हम जान पाएंगे स्कीम ऑफ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रेडियल, रिंगमैन और इंटरकनेक्टर सिस्टम में क्या अंतर है, और इन सारे कनेक्शन स्कीम का क्या फायदा और नुकसान होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करंट के हिसाब से दो प्रकार का है। पहला है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा है एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यह दो प्रकार का है, ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम। और कनेक्शन स्कीम के हिसाब से यह तीन प्रकार का है, पहला है रेडियल सिस्टम, दूसरा है रिंगमैन सिस्टम और तीसरा है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इन तीनों सिस्टम के बारे में आज हम इस टॉपिक में ज्यादा जानकारी जुटाएंगे। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस सिस्टम में बहुत सारे फीडर्स लगे हुए होते हैं और हर फीडर्स को एक सबस्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है और यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूटर को एक छोर से ही मिलता है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन केवल तभी संभव है जब जनरेटेड वोल्टेज कम हो और सबस्टेशन लोड के केंद्र में हो। चलिए देखते हैं, इसका जो सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है उसे देख के हम समझने की कोशिश करते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, बीच में है हमारा सबस्टेशन और सबस्टेशन को इनकमिंग सप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से मिल रहा है। सबस्टेशन में तीन फीडर्स लगे हुए हैं, फीडर ए बी, फीडर ई एफ और फीडर सी डी। EF फीडर पर एक पॉइंट है X, जहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर निकला हुआ है, उसका नाम है XY डिस्ट्रीब्यूटर। इस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर तीन पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, 1, 2 और 3। तीनों पॉइंट्स में से एक एक लाइन निकला हुआ है, ये है सर्विस मेंस और सर्विस लाइंस हम इसको बोल सकते हैं। यह सर्विस लाइंस सीधा कनेक्टेड है कस्टमर के मीटर के साथ। तो ऐसे ही सारे फीडर्स जो ए बी फीडर और सी डी फीडर है, इस फीडर के ऊपर भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर और उसके साथ सर्विस में लगा हुआ रहता है। तो ये है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, इसमें ई एफ फीडर के एक एंड से ही इस डिस्ट्रीब्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो कहीं अगर इस डिस्ट्रीब्यूटर में या इस ई एफ फीडर में कहीं पे अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी अभी मिल रहा है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ड्रॉबैक्स ऑफ रेडियल सिस्टम, इस सिस्टम में डिसएडवांटेज यह है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है उसे एक साइड से ही सप्लाई मिलता है। इससे प्रॉब्लम यह होगा कि जब फीडर या डिस्ट्रीब्यूटर में कोई फॉल्ट आएगा तो पूरे डिस्ट्रीब्यूटर के सारे कंज्यूमर का सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दूर में रहने वाले कंज्यूमर के पास ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसी कारण यह सिस्टम को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए व्यवहार किया जाता है और अल्टरनेटिव पाथ ना होने के कारण कंज्यूमर को सप्लाई भी नहीं मिल पाता है। रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इस सिस्टम में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और चार फीडर को लगाकर एक लूप फॉर्म किया जाता है। उस लूप में सप्लाई सबस्टेशन के बुशवार से आता है और जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है उस क्षेत्र से हो करके यह रिटर्न हो जाता है सबस्टेशन में। इसका जो सर्किट डायग्राम है, जो सिंगल लाइन डायग्राम है, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीच में एक लिखा है फीडर लूप। तो ये है हमारा सबस्टेशन और फीडर लूप क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये है चार फीडर्स। चार फीडर को लगाकर यहाँ पे एक लूप फॉर्म किया गया है। तो सबस्टेशन ये है, यहाँ पे सबस्टेशन में इनकमिंग सप्लाई इधर से आ रहा है, सबस्टेशन में जो बुशवार है वहां से इलेक्ट्रिसिटी फीडर लूप में पहुंच रहा है। फीडर लूप में देखिए, ए बी फीडर में एक्स नामक एक पॉइंट है, वैसे बी सी में वाई और सी डी में जेड नामक एक पॉइंट मार्क किया गया है। उसमें से एक एक लाइन निकला हुआ है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। X X डेक्स एक डिस्ट्रीब्यूटर है, सिमिलरली Y Y डेक्स और Z Z डेक्स भी एक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर तीन तीन लाइनें खींची हुई है
जिसे हम सर्विस मेंस कहते हैं। तो ऐसे ही आप अगर किसी रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में जाएंगे तो आप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर लूप देखने को आपको मिलेगा वहां पर। यहाँ पे हमारे जो फीडर लूप से इलेक्ट्रिसिटी एक्स एक्स डेक्स डिस्ट्रीब्यूटर में आता है, फिर यहाँ से सर्विस मैन से हो करके ये कंज्यूमर के घर तक यानी कि कंज्यूमर के मीटर के साथ ये कनेक्टेड है। तो ऐसे ही रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। इससे पहले हमने देखा कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बस एक ही फीडर था जिस फीडर से डिस्ट्रीब्यूटर को एक हैंड से सप्लाई मिल रहा था, पर यहाँ पे क्योंकि चार फीडर का एक लूप है तो मान के चलिए कहीं पे अगर एक फीडर में कुछ फॉल्ट आ गया तो दूसरे फीडर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई मिलेगा जिससे कंज्यूमर एंड में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ये है रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एडवांटेज ऑफ रिंग मैन सिस्टम, कंज्यूमर टर्मिनल में वोल्टेज फ्लक्चुएशन यहां पर कम रहता है। दूसरा है, यह एक रिलायबल सिस्टम है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को दो फीडर से सप्लाई मिलता है। तीसरा है, फीडर्स में कहीं पर फॉल्ट होने से भी कंज्यूमर को सप्लाई निरंतर मिलता रहता है। चौथा है, इसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग आइसोलेटर लगा हुआ होता है, किसी जगह अगर फॉल्ट डिटेक्ट होता है तब आइसोलेटर उस सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे हम उस सेक्शन में अपना रिपेयर काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है? रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक से अधिक फीडर रिंग की आवश्यकता होती है। यह कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है जैसे कि मैक्सिमम डिमांड लोड और मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम। डिमांड के बढ़ने पर एक से ज्यादा फीडर आवश्यक होता है। दूसरा है, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर। लंबाई बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप की समस्या बढ़ती है और इसे कम करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्किट में लगाए जाते हैं। तीसरा है, रिक्वायर्ड वोल्टेज रेगुलेशन। इस सिस्टम में कितने फीडर्स चाहिए यह सिस्टम का परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप पर निर्भर करता है। इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, यह एक सिस्टम है जहां फीडर रिंग को दो या दो से अधिक जनरेटिंग स्टेशन या सबस्टेशन से सप्लाई मिलता है। जैसे इससे पहले हम देख रहे थे कि उस सिस्टम में हमें जो फीडर लूप बीच में है उस फीडर लूप में इलेक्ट्रिकल सप्लाई सबस्टेशन से एक सबस्टेशन से ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो सबस्टेशन है, ऊपर एक सबस्टेशन और यहाँ नीचे एक सबस्टेशन दिखाया गया है। इनकमिंग सप्लाई आ रहा है सबस्टेशन में और वहां से फीडर लूप में आ रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही चार फीडर को लगाकर एक फीडर लूप बनाया गया है, फीडर ए बी सी बी सी सी डी और डी ए, ऐसे चार फीडर को लगाकर यहाँ पे एक फीडर लूप बनाया गया है। और फीडर में चार पॉइंट्स है, W, X, Y और Z, चारों में से एक एक यहाँ पे W, W डेक्स, X, X डेक्स, Y, Y डेक्स और Z, Z डेक्स, ये चारों हैं एक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स। इन चारों डिस्ट्रीब्यूटर्स में एक एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है इसको हम वोल्टेज की लेवल को यहाँ पर कम कर सकते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया है। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से तीन तीन लाइनें निकली हुई हैं, इसे हम सर्विस मेंस कहते हैं, जो कि सीधा कंज्यूमर के घर के पास जो घर में जो मीटर लगा हुआ है उसके साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे ही इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनकमिंग सप्लाई सबस्टेशन में आता है, सबस्टेशन से होके फीडर लूप से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस मैन और सर्विस मैन से सीधा कंज्यूमर के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है। ये है इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता था, सिर्फ एक ही सबस्टेशन होता था और किसी कारण अगर सबस्टेशन में कुछ दिक्कत आ गया है, कुछ फॉल्ट आ गया है तो सारा का सारा सप्लाई डिस्कनेक्ट करना पड़ता था जिससे कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाता था। इस सिस्टम में क्या है, एडिशनल सबस्टेशन दिया गया है, दो या दो से अधिक सबस्टेशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जिससे अगर एक सबस्टेशन में कुछ कोई फॉल्ट आएगा
तो वो अगर डिस्कनेक्ट भी हो गया उस साइड से, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, तब भी दूसरे सबस्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फीडर लूप में आएगा और अंत में जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर एंड में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रहेगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ये है इसका मेन एडवांटेज। इसलिए इस एडवांटेज के कारण ही इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादातर यूज किया जाता है। एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, पहला है इट इंक्रीज द सर्विस रिलायबिलिटी। दो सबस्टेशन से इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने के कारण इंटरकनेक्टेड सिस्टम एक रिलायबल सिस्टम माना जाता है। दूसरा है, एक क्षेत्र को एक सबस्टेशन से सप्लाई मिलता रहता है, पर जब लोड डिमांड बढ़ने लगता है उस समय उस क्षेत्र को हम दूसरे सबस्टेशन से भी सप्लाई भेज सकते हैं। तीसरा है, हर पावर प्लांट में इमरजेंसी के लिए एक स्टैंडबाय यूनिट रहता है जिसे हम रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं। इंटरकनेक्टर सिस्टम में जनरेटर्स पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, इससे रिजर्व कैपेसिटी आवश्यक नहीं होता है और यह सिस्टम की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, पहला है वोल्टेज कंट्रोल। इस सिस्टम में वोल्टेज एक अहम पैरामीटर है जो कि सर्किट में हर जगह पर कंस्टेंट होना चाहिए। साधारणतः गर्मी के मौसम में एसी, वाटर पंप, फैन, कूलर ज्यादा व्यवहार किया जाता है जिससे इंडक्टिव लोड बढ़ता है और यह सिस्टम वोल्टेज को प्रभावित करता है। इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए सर्किट में शंट कैपेसिटर लगाए जाते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशन। कंजेस्टेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के कारण इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में कम्युनिकेशन फैसिलिटी इतना मजबूत नहीं है। इसको फाइबर ऑप्टिक्स और डिजिटल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से ओवरकम किया जा सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड लोड डिमांड। पीक लोड डिमांड के वक्त फ्रीक्वेंसी लो हो जाता है। सिस्टम फ्रीक्वेंसी 48.5 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज के बीच में ही रहना चाहिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी होने पर फ्रीक्वेंसी रिले लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है। चौथा है मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। पावर सिस्टम नेटवर्क में वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और पावर को मापने के लिए बहुत सारे कॉस्टली मीटर्स और रिले व्यवहार किया जाता है। लोड फोरकास्टिंग और फ्यूचर कैलकुलेशन के लिए इन मीटरों की मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है और इसके लिए सिक्वेंशियल रिकॉर्डर, डिस्टरबेंस रिकॉर्डर आदि सर्किट में लगाया जाता है। पांचवा डिसएडवांटेज है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में सारे जनरेटर्स पैरेलल कनेक्टेड होता है और समान फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसे हम पैरेलल ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें त्रुटि आने से सिंक्रोनाइजेशन सही रूप से नहीं हो पाता है और ब्लैकआउट होने का खतरा रहता है। अब टेस्ट की बारी। पहला क्वेश्चन, व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एनर्गाइज्ड बाय टू और मोर सबस्टेशन। पहला है रेडियल, रिंग मेन, इंटरकनेक्टेड, नॉन ऑफ बीच। और करेक्ट आंसर है इंटरकनेक्टेड। दूसरा है, इन द इंटरकनेक्टेड सिस्टम द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम डैश, ऑप्शंस है रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डिक्रीज। तीसरा क्वेश्चन, इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द कंज्यूमर विल नॉट गेट एनी पावर एज देयर इज नो अल्टरनेटिव पाथ। एंड ऑप्शंस आर रेडियल, रिंग मैन, इंटरकनेक्टेड, नॉन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज रेडियल। हियर आर सम बुक्स फॉर योर रेफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए।